आइए। हमें हिस्ट्री शुरू करना है हम लोग को, है ना। हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ते चलेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि आपको बोरिंग ना फील हो, ठीक है। और एक एक वे में पढ़ेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। मैं आप लोग को गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप लोग ने जीएस, खासकर अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी ऑलरेडी वीडियो डल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह इंटरेस्ट आपको पॉलिटी में आ रहा है, ज्योग्राफी में आ रहा है, मॉर्निंग बैच के कुछ बच्चे हैं, आपको इसमें भी आएगा। और मैं लिख देता हूँ कोई भी एग्जाम, इवन एक पीसीएस तक का, कहाँ तक का, पीसीएस तक का आप एग्जाम में बैठ जाना। मैथ में भले छूट जाएगा, रीजनिंग में भले छूट जाएगा, जीएस में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। जीएस में आप कर क्या होगा, हाँ हर एग्जाम में 5 से 10% वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसको कि कोई नहीं कर पाता है, वो होता ही है छोड़ने के लिए। काहे भाई, अगर सब क्वेश्चन आसाने रहेगा तो कट ऑफ कहाँ पहुंच जाएगा, टॉपर को 100 में 100 आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर सवाल उठ जाएगा। इसीलिए 5 से 10%, 100 में से 10 क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसको कोई नहीं करता, सब छोड़ के आता है। आप भी छोड़ के आओगे, दो क्वेश्चन मैथ में, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में, दो तीन क्वेश्चन जीएस में, ऐसे करके, ठीक है। उसके चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, ऑन एन एवरेज जितने क्वेश्चंस होते हैं आप सारे के सारे अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस, हिस्ट्री के जनक। आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करो, आज ही नोट्स या कल आ जाएगा, कल नोट्स मिल जाएगा। तो लिखने को जरूरत नहीं, कहानी सुनो। कहानी सुनना, लिखना कुछ भी नहीं है। ज़्यादा आपको लगे कि हमने क्या पढ़ा था, YouTube पर वीडियो रहेगा, आप देख ले वो, ठीक है। कहानी इसीलिए आप लोग के लिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोग देखो इसको दोबारा और कहानी को रिमाइंड करते रहो। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया जी? 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्यतिहासिक काल। क्या होता है? आद्यतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अभी समझा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, आप लैंग्वेज समझ जाओगे। इसको बोलते हैं हिस्ट्री जिसमें आपका रिटेंटेड फॉर्म में था, ठीक है। ये जो था, जो प्रागैतिहासिक काल था, ये बहुत पुराने समय को बताता है। किसको बताता है जी? बहुत पुराने समय को, यानी जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब मानव अफ्रीका के जंगलों में रेंगता था। क्या करता था? रेंगता था। तब के उत्पत्ति को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं जी? प्रागैतिहासिक काल। इसको पाक ऐतिहासिक, इसको कहीं कहीं पर आपको ऐसे ही मिलेगा, पाक ऐतिहासिक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्री हिस्ट्री होता है। इसको आद ऐतिहासिक और ये आपका ऐतिहासिक, यानी कि जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी, अफ्रीका के जंगलों में रहता था, रेंगता था, जिस समय हम लोग की मानव को कुछ भी पता नहीं था कि क्या है नहीं है, ये उसके काल को दर्शाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रागैतिहासिक काल या पाक ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस समय मानव के कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, क्योंकि उस समय मानव पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था। यहां से कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिला, लिखित स्रोत हमें नहीं मिला। यहां से सिर्फ पुरातात्विक तत्व मिले हैं। पुरातात्विक तत्व क्या आते हैं? धात्विक नहीं, पुरातात्विक तत्व। पुरातात्विक तत्व होता है, जैसे मान लो, ध्यान सुनना, अभी हम लोग यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, एक भूकंप आए
और ऊपर से छप्पर गिर जाए, सिर्फ हम ही लोग नहीं पूरा दुनिया खत्म हो जाए, हम लोग भी बैठे तो दब जाएंगे, दब जाएंगे तो हजार दो हजार साल बाद जब ये खुदाई होगी, खुदाई होगी तो एक व्हाइट बोर्ड मिलेगा, तो वो लैपटॉप मिलेगा, रैक मिलेगा, स्टैंड मिलेगा, ठीक है, एक आदमी यहाँ चप्पल मिलेगा, इतना बैठल मिलेगा, तो वो हम तो ऐसे मिलेंगे नहीं, क्या मिलेगा, हड्डी, क्या मिलेगा, हड्डियाँ मिलेगा, लैपटॉप के अवशेष मिलेगा, ऐसे थोड़ी चलते हुए मिलेगा, कैमरा चलते हुए मिलेगा नहीं ना, उसके अवशेष मिलेगा। तो वो लोग क्या करेगा, उसको लेके जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा, और जोड़ जोड़ के अंदाज लगाएगा कि ओ माय गॉड, इसका मतलब ये क्लासरूम था, ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब बच्चे बैठे थे, और ये अकेला ये मास्टर था, ये व्हाइट बोर्ड के पास इसका मिला मतलब ये पढ़ाने वाला था, ठीक है। तो इसको बोलते पूरा तात्विक स्रोत, हमारे नीचे कमरे में जाएगा, उसका लोटा थरिया गिलास मिलेगा, उसको बर्तन वर्तन मिलेगा, तो माय गॉड ये गिलास है जिसे पानी पीते हैं, अच्छा फिर देखेगा ये क्या है, कड़ाही है, अच्छा ये गैस चूल्हा है, तो ऐसे करके जो स्रोत मिलते हैं, मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुरात्विक स्रोत, पुरात्विक तत्व, यानी कि पुराने जो थरिया बर्तन लोटा कटोरा गिलास मग्गा हड्डी उड्डी जो मिलता है उसे बोलते हैं पुरात्विक तत्व। कोई दिक्कत, इसमें लिखावट मिला है नहीं मिला है, लिखावट इसमें नहीं मिला है, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, लिखावट इसमें नहीं मिला है, इसमें क्या मिला है, पुरात्विक तक, क्या मिला है, पुरात्विक तक। ये जो काम काल था इसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल, क्या बोलते हैं इस काल को, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोलते हैं जी, पाषाण काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय मानव जो है वो पत्थर के औजार यूज करते थे, किसे करते थे, पत्थर के, यानी पत्थरों के से सामान यूज करते थे, पत्थर के औजार, इसीलिए इस समय को स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज लिखाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज, क्या बोलते हैं, स्टोन एज, यानी इस समय औजार कैसे थे, पत्थर के थे, कैसे थे, पत्थर के, यानी उसे मारने पीटने के लिए क्या काम लाते थे, बरखा से पत्थर उठा के रखते थे, पेड़ के पास छुपा हुआ है, दूसरा को बोलता है बकरी आ रही, बकरी बुला, ठीक है, कोई जानवर आ रहा है उसको ले क्या, बड़ा सा पत्थर रख रखा एकदम, ऊपर से ढकेल दिया उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या किया, ढकेल दिया, और चपके मर गया, जितना आदमी मानव सब गया, अन्य चुनौत खा रहा है उसको, नोचने खा रहा है, हाँ पेट भर गया, अब पेट भर गया, ये थे आदि मानव, इस समय के लोग, नोट आदि मानव बोलेंगे, इस समय के लोग, ठीक है। कोई औजार किसके औजार थे, पत्थर के, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोन एज, क्या बोलते हैं जी, स्टोन एज। लिखित स्रोत नहीं था, यहां भी देखो पुरात्विक तत्व तो हर ऐतिहासिक काल में मिला होगा, अभी भी मिलता, गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चरखा, जबकि गांधी जी के मरे हुए 100 साल भी नहीं हुए, गांधी जी का धोती मिलता है ना जी, गांधी जी का गमछा, तो ये क्या है, पुरात्विक तत्व, क्या जी, पुरात्विक तत्व, यानी पुरात्विक तत्व इसमें भी मिला होगा, मिला होगा, और पुरात्विक तत्व आपको इसमें भी मिला होगा, ठीक है। इस काल में तो लिखावट कुछ था ही नहीं, कुछ लिखावट था ही नहीं, ससुरा इस काल में लिखावट तो था, लेकिन ऐसा ना घोच पोच का गया कि पढ़ ही नहीं पाता कोई, मतलब लिखित तो है, लिखित तो है, बट इसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, इतना ना घोच पोच के लिखा है ना, कोई कुछ बना दिया है, कोई घर बना दिया है, कोई मंदिर बना दिया है, कोई लेटर लिखा है, कोई जो पुतला बना दिया है। बेस्ट एग्जांपल हड़प्पा की लिखावट, किसकी लिखावट, या सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलेंगे, सिंधु, उस समय के लोग कैसे थे, आदि ऐतिहासिक, कैसे थे, आध्यात्मिक, ठीक है। इस समय जो लोग लिखते थे लेकिन पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं गया। इस समय जो है जब इसके हम पाठ पढ़ेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल में
तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? तांबा खोज। और इस काल में कांसा का खोज हुआ था। किसका हुआ था? कांसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। कांस्य पदक होता है ना, ब्रॉन्ज मेडल। तो कांसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें इस काल में सब कुछ मिला है। इस काल में जो मिला है ये सब कुछ मिला है। क्या मिला है? सब कुछ। इसमें लिखित भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, और पढ़ाई नहीं गया उसको लिखा भी गया है। ठीक है, इस काल में किस धातु का खोज हुआ था? लोहा का। किसका हुआ था? लोहा का। जब हमारे पास बच्चे इंक्वायरी के लिए आते हैं तो बोलते हैं सर इतिहास पढ़ाइएगा ना। हाँ, तो सर इतिहास आप प्राचीन भारत से पढ़ाओगे ना, जबकि बउआ प्राचीन भारत आपका यहाँ से शुरू होता है। इस ऐतिहासिक काल को तीन पार्ट में बांटा गया है। इसको बांटा गया है प्राचीन भारत, प्राचीन काल, मध्यकालीन का मध्यकालीन, हम लोग भारत पढ़ेंगे तो भारत लिख रहे हैं, और आपका आधुनिक, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, और ये इसको एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं जो भी कुछ मिला है इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नोट करोगे तो जल्दी से फटाफट नोट कर लो, और नहीं नोट करोगे तो फिर मिटा देंगे। देख लो जल्दी से, या फोटो खींचो तो फोटो खींच लो। कोई नहीं, कल वैसे नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, चले आगे चले। अब हम किसकी बात करेंगे? पाक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। देखो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाक ऐतिहासिक काल। इस काल में इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं जी? स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन एज। क्योंकि इस समय जो मानव थे वो कैसा करते थे? पत्थर का औजार यूज करता था। किसका? पत्थर का यूज करता था। इसको भी हम लोग पाषाण काल में गिनती लेते हैं। किसमें लेते हैं जी? पाषाण काल। ठीक है, तो ये जो है प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से सवाल आपको एक सवाल पूछा जाएगा। इस जो बोर्ड पर छापेंगे वहां से एक सवाल आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। इसको बोलते हैं जो तीन भागों में बांटा गया है, इसको पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल बोलते हैं, पहला बोलते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। इसे क्या बोलते हैं जी? मध्य पाषाण काल। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका बोलते हैं नव पाषाण काल। कोई दिक्कत? नाम में कोई दिक्कत नहीं है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इस पूरा पाषाण काल को, यानी कि हम इतिहास के सबसे पहले अध्याय के सबसे पहले भाग को पढ़ रहे हैं, यानी कि इतिहास के सबसे स्टार्टिंग को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सबसे स्टार्टिंग को देख रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष तक को करते हैं। कितना बोलो? 25 लाख। कितने जी? 25 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष। 25 लाख की तुलना में 12,000 है। मानव ने सबसे ज्यादा जीवन, सवाल पूछा जाता है, या आप अगर यूपीपीसीएस लेवल के एग्जाम दोगे, जैसे एचसीएम के एग्जाम देंगे, उसमें समय पूछा जाएगा
कि मानव ने अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा समय किस काल में बिताया था? पूरा पाषाण काल। किसमें? पूरा पाषाण काल, लगभग 25 लाख वर्ष। लगभग 12,000 वर्ष निपटा दो तो क्या हो गया, 25 लाख हो गया ना, कोई डाउट? 25 लाख वर्ष बिताया था किसमें? इसमें। इस समय जो आदमी था वो घुमक्कड़ था। क्या था? घुमक्कड़ था। उसको खाना बदोश भी कहा जाता है। खाना बदोश का मतलब है कि जिसको दून दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। उसको क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? खाना। जैसे छोटे बच्चों देख लो, 1 साल की बच्चा को कोई मतलब होता है जी, उसको खाना चाहिए बस। उसको 6 महीने के बच्चों खाली दूध पिलाते रहो, ससुरा खुश रहेगा, कुछ मत दो। और जब दूध के पेट कम हो जाएगा तो रोएगा, मम्मी को देखेगा बोतल भर रहा है मैं दूध का, खुश से नाचेगा, ओ माय गॉड मेरा खाना तैयार हो रहा है, मुंह में चुसनी दे तो चुसते रहेगा। तो खाना बदोश, यानी कि जैसे जानवर, आपके गाय बैल होंगे, किसी के यहाँ जानवर पालते होंगे, क्या उसको इससे मतलब है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, रेलवे एग्जाम कब होगा, बजट कब पारित होगा, कोरोना आया कि गया, कोई मतलब नहीं। ससुराल को दिन में एक नाद खाना दे दो, अब पूरा ठूस लेगा, अब बैठ के कौड़ी करते रहेगा, और कोई मतलब नहीं है। बगल में जाओ तो मेरे मुंडी ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो इस समय लोग कैसे थे? खाना बदोश। खाना बदोश को क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। मतलब आज यहां पर डेरा डाला, आज यहां पर डेरा डाला, यहां के जो भी घास फूस थे, जंगली जो भी चीज खा लिया, अब खत्म हो गया, अब तंबू उठाओ और चलो दूसरा जगह। तो क्या बोलते हैं? खाना बदोश। ये लोग कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। ये ज्यादा से कहाँ 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 थे? अफ्रीका में थे। कहाँ में थे जी? अफ्रीका में थे। ये यहाँ के लोग थे ना, वो सभ्य नहीं होते थे। यहाँ के लोग नहीं बोलो, इस समय के लोग, इस समय के लोग सभ्य नहीं होते थे। सभ्य कहने का मतलब आइए समझाते हैं। सभ्य नहीं थे। कोई संस्कार नाम का चीज नहीं था। गली में देखते होंगे एक डौगी है, उसके पीछे सारे गली के कुत्ते लाइन मारते हैं, जिसको मौका मिल गया अपने साथ घुमाने ले चला गया। इसको बोलते सभ्य नहीं था। पहले के लोग घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, यानी मांस खाते थे। क्या खाते थे? मांस। अब देखते थे चाचा जी क्या हो गए, बूढ़ा हो गए, मार के खा जाओ, मार के खा जाओ। उनको कोई मतलब नहीं था, चाचा जी हैं कि पिताजी हैं, बूढ़ा हो गए हैं, अब नहीं चल फिर पा रहे हैं, इनको खाना लाके कौन देगा, इन्हीं को खा जाओ, इनको खाना लाके कौन देगा, इन्हीं को खा जाओ। इसमें सब भी नहीं था, ये थे इस समय के लोग, कोई सब नहीं थे। जैसे ठीक है, जैसे अभी के लोग में सभ्यता होता है, सब भी कैसे होता है जी, कि नहीं चाचा है, फूफा है, पापा है, जो भी चीजें रिलेटिव में उनकी रिस्पेक्ट होती है। पहले कुछ नहीं, भूख लगा कुछ नहीं मिला, चाचा को मार खा जाओ, पिता को मार, माता जी को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें था पहले। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे वो खाद्य संग्रह थे। खाद्य संग्रह थे। खाद्य संग्रह समझते हैं? जैसे अभी आप लोग कहा जाए कि एक ट्रक चावल गेहूं लोगे कि एक ट्रक नोट लोगे? देखो कह रहे नोट लेंगे, यही सब लड़का बाद में जाके, यही सब लड़का बाद में जाकर के घूस लेगा, डिपार्टमेंट जाके घूस लेगा। तू क्या लेगा गौरव? चावल क्यों लेगा, नोट नहीं लेगा? आज के समय में लोग क्या कहेंगे? नोट चाहिए। कहा भाई नोट होगा तो मौज होगा, ठीक है कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस समय के लोग कोई मतलब नहीं था। एगो बैल मार के ले आए, अब बैल को लाके घर में रख दिए, 4 दिन तक खा रहे हैं उसको, 4 दिन तक खा रहे हैं, ओ माय गॉड 4 दिन तक आराम करेंगे, खाएंगे आराम करेंगे, ठीक है। इसी बीच नाना बीमार पड़ गए, हो बैल मर खत्म हो गया, नाना को लाओ रे खींच के, टगरी भर के लाओ नाना को, अब बीच में चीत नाना को, नाना छोड़ दे नाना, बस बन गया भोजन, ठीक है। तो ये खाद्य कैसे थे? संग्रह थे। इनका मेन व्यवसाय क्या था जी? आखेटक।
ये कैसे थे? आखेटक थे। यहां से सवाल पूछा गया है, कैसे थे? आखेटक। आखेटक का मतलब शिकार करना। क्या मतलब? शिकार करना। शिकार करने के इनके बहुत तरीके होते थे। एक तो बहुत बलवान होते थे लोग। अगर बलवान, तो अगर इनसे बलवान जानवर आ गया तो कुछ नहीं करता था, एगो जाता था और उसको लाता थे करके रख करके, अब पिछुआ में 5-10 तैयार था बड़ा बड़ा पत्थर रख करके, तो बढ़िया सी कोली में घुसा दो, इनो कोली स्मॉल गली, हाँ स्मॉल गली इज नोन एज कोली। छलेराम बहुत सारे गली मिल जाएंगे जिसमें बाइक तक भी नहीं घुस पाएंगे ढंग से, उसको क्या बोलते हैं? कोली। अब उससे कोई मोटा जानवर को ले आओ, तुम तो पार हो जाओगे, मोटा जानवर फंस जाएगा और ऊपर से तैयार रख लिया है ऐटा पत्थर, गिरा दिया, जानवर मर गया, अब मोहल्ले में पार्टी होगी, आज आज बर्थडे मनेगा भाई का, ठीक है। कैसे थे ये? आखेटक। आखेटक बोले तो शिकारी। कैसे थे? शिकारी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। इनके हथियार के रूप में, ये हथियार के रूप में क्या यूज करते थे? हथियार के रूप में पत्थर यूज करते थे। क्या करते थे जी? पत्थर। हथियार के रूप में पत्थर यूज करते थे। इस काल में कोई दिक्कत? इस काल के लोग पढ़े लिखे कितने थे? 16 × 18। इस काल को कब से कब तक माना गया है? 25 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष। कैसे थे ये? खाना बदोश। ये कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। पहले जो होता था ना, जो इंसान होता था उसकी यहाँ पे निकला रहता था, आप देखो अपनी मुंडी में यहाँ पे गड्ढा होगा, पहले यहाँ पे सिंग टाइप के होता था, ये धीरे धीरे क्या कट गया, ये होता था पहले मुंडी आदमी के ऊपर उठ नहीं करता था ज्यादा, जैसे आज जानवर लोग के देखो सिंग होता है, उसका ज्यादा नीचे मुंडी नहीं जाएगा, ऊपर हुआ उठेगा। अगर आप किसी जानवर के सिंग पकड़ के नीचे मुंडी कर दो तो आपको कहाँ पहुँचा देगा? छप्पर पे, छप्पर पे पहुँचा देगा। लेकिन मुंडी ऊपर कर दो तो नीचे नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर मुंडी कर दो और नाक में उंगली डाल के तो उठा दो, उसके नाक जाम, नस जाम रहेगा, शांत पड़ जाएगा। किसान लोग ऐसे ही करता है, नाक में वो रस्सी बांध देता है और उसमें तो वो रस्सी डोरी बांध करके अपना हाथ में पगा पकड़ लेता है, जहाँ कुछ करता है उसको खींच लेता है करके। अब नाक में नथनी पहनती हो, नाक में अगर रस्सी बांध के आदमी पकड़ ले, ठीक है। अरे लड़कियों के तो बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, हम तो सोचते अगर हमारी घरवाली के इतनी लंबे बाल रहा तो बोलेंगे और लंबा करो। पता है उसके 3-4 फायदा है, खाना मांगना है तो बाल पकड़े रहो ऐसे खींचो, खाना लेके आओ कही जाएगी, घर में बाल बांध दो, उसको बेड में बांध दो बाल को, बाल उतना लंबा है घर में घूम के काम करेगी कहीं नहीं जाएगी, ज्यादा छटपटाए तो बाल खींच लो करके शांत रहेगी, ठीक है, लंबे बाल मत रखियो। कैसे थे? क्या सब थे? नाना को मार खा जाते थे। खाद्य संग्रह थे कि नहीं थे? हाँ जी खाद्य संग्रह थे। ये कैसे जिंदगी जीते थे? आखेटक। इनका व्यापार काम क्या था? आखेटक, शिकारी करना। क्या था? शिकार करना। आखेटक को क्या बोलते हैं? शिकार करना। क्या बोलते हैं? शिकार करना, ठीक है। हथियार के रूप में क्या यूज करते थे? पत्थर। क्या यूज करते थे? पत्थर। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नोट करना है? नहीं। तब चलते किसमें? दूसरा वाले में, मध्य पाषाण काल। किसमें जी? मध्य। आदमी लोग, अरे बहुत जीता था, 150-150 साल से जीता था भाई। कि देखो इस समय पोल्यूशन होता नहीं था नदी, आज के 30 साल पहले तक आप सुने होंगे दादा दादी के समय में, वो लोग पहले ज़्यादा नल नहीं हुआ करता था, तो वो लोग क्या करते थे? कुआं से पानी निकालते थे, नदी से पानी ले आते थे और वो भी पानी से बर्तन वर्तन धोते थे, नहाते वहाते थे। आज के ससुरा जो नल का पानी है वो गंदा हो गया, आरो लगाना पड़ता है, कुआं का पानी तो नाम ही मत लो, कुआं अब नाम के रह गया है। हालांकि कुआं होना चाहिए, कुआं होने से लेयर बना रहता है, क्या बना रहता है जी? लेयर। लेकिन वो भी तो सबसे समस्या है, गलवारी झगड़ा करेगी तो कुआं पा जाके बैठ जाएगी, कूद के जान दे देंगे, जान नहीं देगी, आना मत, कूद जाऊंगी कूद जाऊंगी, कूदेगी नहीं, हम तो कहते हैं और उसमें देखेगी भी नहीं,
उसको हाथ पकड़ने से झुला दो एक बार, तो खुदे बोलेगी नहीं 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 बाहर निकालिए बाहर निकालिए बाहर निकालिए। वो भी समस्या है। वो हमारे गांव में एक औरत आमने ताव देखी, जाकर कुआं में कूद गई, गड्ढा खम था 10-12 फीट था, उसमें एक सांप था। अब देखो गुदी चिल्लाने लगी, सांप देख के इसे बैठा ले वैसे कोना मुझ साइड बैठा ले। तो दिन का समय था, लोगों ने देखा है फलनी गिर गई फलनी गिर गई, ठीक है। और देखा सांप भी है ससरा, जल्दी से लाओ धान की रस्सी समझते हैं जिससे बोझा बांधते हैं। अब वो जल्दी जल्दी वही मिला, उसको दिया लटका करके, लोग पकड़ के लटके एकदम जोर से पकड़ रही हो, 8-10 आदमी से पकड़े, क्या किया खींचा। उसके बाद से आज से औरत घर से नहीं निकलती लड़की, तो उसका हस्बैंड धमकी देता कुआं ढकेल दें, ठीक है। मध्य पाषाण काल कब से कब समय को बोलते हैं जी? 12,000 साल से लेकर के 5,000 वर्ष तक। 12,000 वर्ष से लेकर के 5,000 वर्ष तक क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। इस समय जो था वो आदमी, जो आदमी था, जो मानव था, वो क्या नाम है, संस्कार ही जिंदगी जी लिया था, उसको बोलते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कैसे लिखा है वो? अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम करना सीख गया था। कौन सा क्रम? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम करने का मतलब, इस समय अगर कोई आदमी मर गया तो उसको खा जाओ, उसको खा जाओ, आप खा के जो हड्डी डी बचाओ उसको ऐसे करके नचा के फेंक दो, जा चाचा। लूर बुद्धि नहीं था ना उस समय। अब मान के चलो अभी आप जो चीजें नहीं पढ़े हैं उससे सवाल आ जाएगा तो तुक्का भी नहीं मार पाओगे, कुछ पढ़ा लगा तो नहीं, उनको पता ही नहीं था इसका औजार नहीं बनता हड्डियों का। वो देखते थे खाली, ओ माय गॉड कंकाल टाइप का है, नोच नाचे खा गया, उंगली छोड़ा दिया, चिपा गया, अब आके नचा के फेंक दो चाचा को। इस समय आदमियों को थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी। क्या आ गई थी? बुद्धि। जब बुद्धि आई थी तो इस समय उन्होंने क्या किया? अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किया। मतलब चाचा को मारा नहीं जाता था, चाचा को खाया नहीं जाता था। मर गए हैं तो उनको नदी के किनारे लेके झाप झूप दो, क्या दो? झाप दो, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं? दफना दो। क्या कर दो? दफना दो। उस समय उजाड़ तो होता नहीं था, हाथ खन रहे चाचा दब डूब जाएंगे इतना में, हाँ चाचा दब जाएंगे, जा दो ऊपर से बालू फेंक दे, बालू फेंक ऊपर चढ़ जा करके, चाचा जी हो गया बराबर, चाचा जी हो गए बराबर, चल हो गया चाचा जी बराबर हो गए। अंत्योष्टि कार्यक्रम करना इन लोगों ने सीख लिया था। इन लोगों का तो बढ़िया था ससुरा, इन लोगों में बीमार पड़ा उसको लगा कि अब नानी निपटने वाली है, लाओ रे आज की चखना नानी, ठीक है इसमें कुछ नहीं, ठीक है इसमें नानी मरी तो रोता था नहीं था, ना झाप दे गड्ढा को, जानी को झाप दे। इस समय को आदमी ने माइक्रो औजार बनाना शुरू किया। किसको औजार? माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रोलीथ। माइक्रोलीथ यानी छोटे पत्थर के औजार, MICRO, अच्छा MIR सी लिख दी हमने, माइक्रो MICRO ऐसे लिखा है ना, माइक्रोलीथ, छोटे पत्थर के औजार बनाना सिखा लिया। क्या करना सीख लिया? छोटे पत्थर के औजार। क्या करता था देखो, जैसे एक लंबा सा पत्थर लिया, इतना बड़ा ले लिया, अब इतना बड़ा पत्थर लिया ऐसे करके, इस पत्थर को इधर मोटा रखा, इधर कोनवा में से तिरछा बना दिया इसे नुकीला, भाला की तरह, कैसे भाला की तरह पत्थर लिया, ये कोनवा में क्या कर दिया? भाला की तरह नुकीला कर दिया, बाकी पूरा पत्थर रखा, किसी को घोप के मारना है इधर मार दिया, पेट में चुभ गया, चुभ गया तो मर गया, ठीक है। चाहे नुकीला बना करके एकदम ऐसे रखे हुए हैं गुलेल पे, आरा 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 मारो सके सर के गया, वो गया। तो ये कौन रखता था? मध्य पाषाण काल के लोग थे, भी थे तो ये भी खाना बदोश। ये कौन से हमारे क्या नाम है मोदी जी के चचेरा भाई था, ठीक है, ये भी कौन थे? खाना बदोश थे।
ठीक है। तो ये सब ये लिखो, लेकिन इन्होंने औजार के रूप में कैसे यूज करते थे, छोटे पत्थर के नुकीले औजार, छोटे पत्थर के नुकीले औजार कौन से। इसमें दो ही चीज याद रखना है आप लोगों को, अंत्येष्टि कार्यक्रम, माइक्रोलिथ, ये दोनों सवाल पूछा गया है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में सीखा था, किस काल में सीखा था, मध्य पाषाण काल, और माइक्रोलिथ किस काल को बोला जाता है, मध्य पाषाण काल। घुमक्कड़ किसमें था, दोनों में था, किसमें था, ज्यादा घुमक्कड़ किसमें था, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था, छूट गया ससुराल वो, किसकी खोज हुआ, आग का खोज हुआ था, ये तो छूट गया था, मेन इंपॉर्टेंट। ये सवाल इतना बार पूछा है, जितना बार एक बार एग्जाम में देंगे उतना बार पूछा है। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, अब हुआ कैसे, ये लोग पत्थर के औजार यूज करता था, ये लोग पत्थर एक बार पीट रहा था, पत्थर पीटते पीटते क्या हुआ, अचानक से आग लग गया, क्या हो गया, आग लग गया, भाग रहे तो भाग गया, और जंगल में खूब लंबा आग फैल गया, जंगल तो था पहले, कौन था, बस्ती था, रोड था, तो आग लग गया। आग लगने के बाद बहुत दिन तक आग लग गया, उसके बाद क्योंकि जब आग ठंडा हुआ तो आया देखने के लिए, कहा सब जल गया रे, देखा ही कहा, वो गेंडा मरा हुआ है, जला हुआ है, तो जला हुआ गेंडा था, जानवर मर जाता तो क्या होता, जल जाता है, क्योंकि आग में तो जल ही जाएगा, जल के पक गया था एकदम से, और उसको चीरा, चीर के फाड़ा और खाया, बोला ओ माय गॉड इट्स सो टेस्टी, देन कच्चा मांस, तब समझा कि नहीं आग के पकाओ, कैसे पकाओ, आग से पकाओ। तो आग का खास किसमें हुआ था, पूरा पाषाण काल, इसको याद कैसे रखिएगा, जब आग लगता है तो पूरा जला के राख कर देता है, जब आग लगता है तो पूरा जला के आग की खोज पूरा पाषाण काल, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तब से फिर ये लोग आग कैसे जलाते थे, बोलते दो गो पत्थर लाया मारा, हाँ निकला जलाओ, अरे जलता भाई ये पत्थर नहीं है, जला अब भैंसा मार के ला के रखा था, ला उसको टांग भैंसा को, अनि से आग लगाओ, आज से छू के टेस्ट करना, तो ठीक है थोड़ा कच्चा है और पकाओ, आप उसको कच्चा थोड़ा, जब पूरा पक गया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, आग बंद बुझाओ, आग बुझाओ, हम नोच के लाओ खाओ। अरे कभी आप लोग पका हुआ आलू खाए हैं, आप लोग कभी गरम गरम आलू खाए हैं, पका हुआ आलू एकदम, मान लो मम्मी गरम गरम तो आलू दी और उसको फोड़ के खाते हैं, चाहे समोसा, अब मुंह में गरम लगता, कभी कभी कोई नहीं रहता है उसको हाथ निकाल, कोई नहीं हाथ आप भी ठंडा मुंह में डाल लिया, करते हो ना ऐसे बचपन में, किए होंगे सब, किए होंगे नहीं, करते हो सब किए, अरे तो हम भी किए थे कई बार, गरम लगा हाँ। चल कोई देखा तो नहीं, नहीं देखा और डाल लो फिर, ठीक है ठीक है, यहां तक करके लाएंगे, माइंड पे कोई रखेंगे इसको, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, नव पाषाण काल, और इसके आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। हाँ तो जल्दी आप लोग हम छोड़ेंगे, अभी एक दो दिन, अभी अभी एक दो दिन ऐसे ही चलेगा, जब सब आ जाएंगे, टाइमिंग मत देखा करो, क्लास देखा करो, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आगे जो करेंगे कल करेंगे, ठीक है।